हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वारंटीन किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल के कोफ्ते। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। तो सबसे पहले हमने 500 ग्राम ये कटहल ले लिया था। और कटहल जो है अच्छे देख के लें, छोटे वाले कटहल हों, उसमें बीज उज ना हो। उसको अच्छे से छील के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो लिया है। और कुकर में हमने एक सीटी लगा करके उसको बॉयल कर लिया है। ये देखिए ऐसा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद हम 4 बड़े टमाटर की प्यूरी लेंगे, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी बेसन लेंगे, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हमें गरम मसाला 1 बड़े चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटे चम्मच तीखी लाल मिर्च है। ये हमने आधी कटोरी दही लिया है, थोड़े से कटे हुए अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया लिया है। और ये हमने 4 बड़े प्याज लिए हैं, 3 प्याज को बारीक काट लिया है, 1 को रफली चॉप कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में अपने बॉयल किए हुए कटहल ले लेंगे और इसको मैश कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से। इनको ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद ही आप अच्छे से एकदम मैश कर लें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक कम ही रखेंगे। अब इसमें कटे हुए हम अपने अदरक, हरी मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, और हरी धनिया पत्ती को डाल देंगे, थोड़े से कटे हुए प्याज को डाल देंगे। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, जिससे हमारा कटहल जो है वो अच्छे से बाइंड हो सके। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लिया है, ये हमारे कोफ्ते हो गए हैं। अब हमने तेल एकदम गरम करने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम अपने सारे कोफ्तों को डाल लेंगे और उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते अब एकदम अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे कोफ्तों को निकाल लिया। अब इसमें हम एक टूथपिक की सहायता से इसमें ऐसे ऐसे होल कर देंगे। अब एक पैन में हम लोग 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़े से जीरा डाल के 30 पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा हींग। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज को और रफली चॉप किए हुए सारे प्याज को इसमें डाल देंगे और इसको गुलाबी होने तक भुनेंगे। हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का गुलाबी होने तक ही इनको भुनना है। अब देखिए हमारा प्याज हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसमें हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर आएगा, और तीखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। साथ ही इसमें हम धनिया पाउडर और 1 बड़े चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन से जो होता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से वो एकदम पक जाए। हमें ज़्यादा नहीं डालना, हल्का नमक, फिर गरम मसाला ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा। इसमें हम दही डाल देंगे। बेसन डालने का यही रीज़न था हमारा कि जो बेसन है वो दही को फटने नहीं देगा, उसको अच्छे से बाइंड करेगा। अब ये दही पकने के बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च जो बचाए थे वो भी डाल देंगे। अब देखिए हमारा अच्छे से पक चुका है मसाला। अब इसमें हम 2 बड़ी कटोरी पानी को ऐड करेंगे और इसको अपने हिसाब से नमक डाल लेंगे, क्योंकि नमक पहले भी मैंने थोड़ा डाला था, तो आप उसी हिसाब से नमक डालें। अब 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए हम अपने सारे कोफ्तों को ग्रेवी में डाल देंगे। अब 5 मिनट के लिए धनिया से गार्निश करके हम इसको ढक देंगे, 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोफ्ते बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। तो एक बार इसको आप ज़रूर बना के अपने घर पर ट्राई करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।